कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले में किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है। बिचौलिए खाईवाल दलाल अधिकारियों से सेटिंग कर खाद ले लेते हैं। गरीब मध्यम वर्गीय किसान रात रात भर सोसाइटी के बाहर बिस्तर लगाकर सो रहा है, फिर भी ना तो समय पर खाद मिल रहा है और ना ही जिम्मेदार कृषि विभाग के अधिकारियों ने देखने आ रहे हैं। हरदा जिला मुख्यालय पर एमपी एग्रो सोसाइटी पर किसानों में आज जमकर आक्रोश दिखा। किसान खाद लेने के लिए 2 दिनों से रुके हुए थे और आज सुबह भी सोसाइटी 11 बजे के बाद खुली। नाराज किसानों ने सोसाइटी के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और आक्रोश व्यक्त किया। किसानों का कहना है यहां पर भी सेटिंग का खेल चल रहा है, नेता आते हैं सेटिंग करके चले जाते हैं। गत दिनों किसानों ने जिला कलेक्टर को भी 2 काउंटर खोलने की मांग की थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। हरदा से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। तो खोलने का 10 बजे का भैया 10 बजे आएगा भैया 10 बजे आए क्या करने के लिए पैसे चले गए वितरण करने का समय भैया आ गया है तो क्या भैया किसान चूक गया है क्या सब काम मजदूरों के काम किए क्या अपनी जगह नहीं अरे काउंटर बढ़ाओ ना भैया अपने 2 काउंटर बढ़ाओ ये नहीं है यहां मार रहा है किसान किसान ना लड़ रहे हैं क्यों ये लाइन में सर पर्ची मत लो ये बन रहा है तो तुम अभी रात जो होगा उसी बजे आप रोटी खाने बैठ जाओगे हम रोटी भी खाएंगे मैं ना तो ऐसी ये ना बैठ की मां चुकी पानी नहीं पिया 2 काउंटर चला तो करो अरे ये बताओ इस पर अभी जाएंगे कलेक्टर महोदय पास वहां भी कोई सुनवाई नहीं होगी हम 3 ही होगी अरे आप 3 हो या 4 हो आप पढ़ लो 3 से 4 आदमी नहीं क्या खोलने का और बंद करने का क्या टाइम है रात में 10 बजे रात को देते हैं ये बांटते हैं जुगाड़ पानी से करके एक भी आदमी को बुला दो आप इस मामले अरे मैं साक्षी हूँ 11 बजे से पटनी का आपने क्या बोला 10 बजे आप खुला पानी खुला अभी आप 11 बजे खुला एक भी आदमी कह देगा जुगाड़ पानी से अरे अभी नंबर लिखा मेरे सामने वो लाओ तुम्हारे रजिस्टर में नंबर लेने का दो लाओ अभी मैं बता रहा हूँ सर आपका सुरेश सिंह कुमार सर ऑफिस खुलने का क्या टाइम है आपका 10 के बाद 10 के बाद तो किसान लोग बोल रहे हैं ऑफिस नहीं खुला आपका नहीं तो बैंक गए थे ना मोबाइल नंबर की बैंक गए बैंक में पैसे जमा करने गए इस कारण ऑफिस नहीं खुल पाए नहीं ऑफिस तो खुला है और सर किसान है आरोप भी लगा रहे हैं कि ब्लैक में काम हो रहा है नहीं एक भी आदमी का नाम बता दें नंबर तो किसान है एक भी किसान यहाँ आके बोल दे कि मेरे से पैसे ज्यादा लिए या ब्लैक में बनाया या जिस लाइन से हटके बनाया तो हम मान जाएंगे तो किसान फिर सर ये विरोध क्यों कर रहे हैं किसान तो क्या कहेंगे हम तो क्या प्रूफ लाए प्रमाण बता दें हमको पीछे प्रमाण तो साथ में है ना फिर ये किसान परेशान क्यों हो रहे हैं कम से कम किसान परेशान हो रहे हैं 2 हफ्ते से ज्यादा परेशान है यहाँ जिसकी सेटिंग होती है इसको खाद मिल जाती है जैसे बाबूजी के पास अभी एक जानकारी दिया है उनका नाम तो मुझे नहीं पता मोबाइल नंबर अभी लिखाया मुझे आप बता देना वो नंबर से मैंने बोला मैं आ रहा हूँ 10 मिनट पैसे कितने होंगे मेरे पास इस चीज में रिकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे देख के सब काम हो रहा है इसके अलावा कोई काम नहीं अब जैसे रात के ये बिस्तर रखे हुए ये बिस्तर रात भर आया हुआ है रात के 8 बजे का आया हुआ वो किसान अभी तक उसको खाद नहीं मिली सुबह 10 बजे के प्रशासन से नहीं नहीं प्रशासन से भी बात करिए अपर कलेक्टर से भी बात करिए वहाँ जाके निर्देश देते हैं बोल देते हैं हम 2 काउंटर चालू कर रहे हैं 12 बजे ऑफिस खुला है 10 बजे से इनका कहना मगर ऑफिस जो खुला है 11 बजे से अभी ऑफिस खुला है ठीक है अभी तक कोई किसी किसान को खाद नहीं मिली परेशानी परेशानी बढ़ रही है ऊपर ही ऊपर काम कर रहा है।